नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही गहरा और अनुभवी और बहुत डीप नॉलेज से भरा हुआ है। इस वीडियो को अगर आप पूरा सुन लेंगे तो आप जो अध्यात्म की दुनिया में अपने पैर रखा है, मीन्स आत्म साक्षात्कार, आपको इसी वीडियो में खत्म होते होते हो जाएगा। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी कि आत्म साक्षात्कार कैसे हो, आत्मा क्या है, परमात्मा को कैसे जाने, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन ये वीडियो आज जब आप पूरा देख लेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि आप कौन है। आपको आत्म दर्शन हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, एनलाइटमेंट हो जाएगा, एनलाइटेड हो जाएंगे आप। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज ये रहस्यमय वीडियो आपके जीवन को बदल देगी। कई वर्षों से, कई महीनों से, कई सालों से आप इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से आप तुरंत स्वयं को जान लेंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आपकी अपनी जर्नी, अपने तक जो जाने का सफर है वो आपका तय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आप बने रहें। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो कैसे आत्म साक्षात्कार हो, कैसे आत्म ज्ञान हो, कैसे आत्म ज्ञान को प्राप्त करें, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या चेतना है, इस विषय में कई प्रश्न, कई ईमेल्स आते रहते हैं हमें। तो एक मित्र ने, एक साधक ने हमें ईमेल किया जिसमें उसने पूछा और हमने कई बार उसे उत्तर दिए। उसने अपने अलग अलग प्रश्नों को किया और उसके अलग अलग हमने उत्तर दिए। वो भी आपके साथ आज साझा करेंगे, क्योंकि वो ईमेल्स आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसका प्रश्न था, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, चेतना अलग है, तो परमात्मा एक है या दो है या तीन है, कितने, ये सभी अलग अलग हैं कि एक हैं, और कितने परमात्मा हैं। प्रश्न बहुत गहरा उसने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर उसको समझाए तो कई घंटे बीत गए, लेकिन उसको संक्षिप्त में कुछ प्रश्न दोबारा हमने किए। क्योंकि जब आत्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो सुनने से नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न उससे किया गया कि इस जितने भी आप मत मतांतर देखते हो, अलग अलग साधु संतों के प्रवचन सुनते हो, वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें सबसे मेन कॉमन बात क्या है? सभी अलग अलग अपने अपने धर्मों को अच्छा बताते हैं, बढ़िया बताते हैं, लेकिन उनमें कॉमन बात क्या है? क्या वो ये मानते हैं सभी कि हम सभी आत्मा हैं? तो उसने कहा, हां, ये सभी धर्म कहते हैं कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। तो फिर मैंने उससे दोबारा क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो, या तुम ये शरीर हो, तुम क्या हो? तो उसने कहा,
पहले तो उसने सोचा और काफी देर बाद उसने रिप्लाई किया। तो उसने रिप्लाई किया कि जो ये मेरा शरीर है ये तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा बच जाएगी। तो मैंने उससे दोबारा फिर कहा हमने कि क्या इस शरीर के और इस जो अंदर आत्म है तत्व है क्या इसमें कोई भेद अभी तक पा लिया है कि आत्मा और ये शरीर दोनों अलग हैं? तो उसका उत्तर था कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन मैंने कई ग्रंथों में, कई किताबों में और कई संतों से ये सुना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो उसको पूछा गया कितनी देर से तुम ये जानते हो? तो उसने बताया मैं कई वर्षों से ये जानता हूं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं है मुझे, मैंने सिर्फ सुना है और किताबों में पढ़ा है। तो इसका दोबारा रिप्लाई किया गया कि अगर तुम ये खुद नहीं जानोगे कि तुम आत्मा हो या शरीर हो, तब तक सुनी सुनाई बातों में कुछ नहीं रखा। तुम इस चेतना को भी छोड़ दो, इस आत्मा को भी छोड़ दो, इस परमात्मा को भी छोड़ दो, तुम सिर्फ एक ही बात बस उसका प्रैक्टिकल कर दो। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा परमात्मा ऐसे है वैसे है तो ये तो सुनी सुनाई बात होगी, कन्फर्म मोहर नहीं आपकी लगी। उसके लिए ये मोहर आपको खुद को ही लगानी होगी, ये तुम्हें ही लगानी होगी। तो तुम पहले ये बस इतना डिसाइड कर लो कि तुम ये शरीर हो या नहीं हो। ज्यादा इसमें बातें करने की या सोचने की, परमात्मा चेतना इतना कुछ ना सोचो, ये आत्मा भी है नहीं है कोई मतलब नहीं, परमात्मा है तुम ये आत्मा हो ये भी छोड़ दो, ये परमात्मा है कि नहीं है ये भी छोड़ दो, बस तुम एक बात को सोचो और वो सोच समझ के पूरे अनुभव के साथ ये बताओ कि तुम ये शरीर हो या नहीं हो, बस इसका उत्तर। लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए, कहीं जगह से पढ़ा लिखा सुना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम इसी शरीर का अनुभव नहीं बता पाओगे कि ये तुम शरीर हो या नहीं हो, इसके बाद आगे की बात करना व्यर्थ है। क्योंकि आगे का तो रहस्य फिर वही कहानी किस्से ही रह जाएंगे कि जो मैं बताऊंगा या जो तुम किताबों में आगे भी पढ़ोगे, बस वो सुनी सुनाई एक कथा कहानी ही बनकर रह जाएगी और तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन, वो समझ, उस चेतना को जानने की शक्ति कभी नहीं आ पाएगी। तो तुम उसे जानकर जिस दिन जान लोगे उस दिन मुझे ईमेल कर देना कि तुम ये शरीर हो या नहीं हो, उसका उत्तर उसके बाद नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसका कैसे पता लगे आपको, क्योंकि जब उसे उत्तर भी पता लग जाएगा तब भी वो मुझे दोबारा ईमेल नहीं करेगा, और अगर नहीं पता लगा तब तो वो ईमेल करेगा ही नहीं, क्योंकि उत्तर पता लगने के बाद वो स्वयं ही जान जाएगा कि वो है कौन, और नहीं पता लगने पे तो वैसे ही रिप्लाई नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप ये समझो कि आप ये शरीर हो या नहीं हो, अपने आप से प्रश्न करो, आपका ये शरीर जो है इसमें आप के जो दो हाथ हैं, क्या ये दो हाथ आप हो? ये तो एक दृश्य मात्र है। अगर कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, उसने अपने हाथों को हिलाया तो आपको कैसे पता लगा? आपकी आंखों ने
उसे बताया कि इस व्यक्ति ने हाथ हिलाया। अगर उसने कुछ बोला तो आपके कानों ने बताया कि उसने कुछ बोला है। तो क्या आपके कान आप हो कि आप आंख हो? आंख भी एक अलग मैसेज दे रही है और कान भी अलग मैसेज दे रहा है। उसके हाथ पैर के हाव भाव एक अलग आंखों से सिग्नल दे रहे हैं। तो क्या ये आंख तुम हो, ये आत्मा है, या कान आत्मा है, या हाथ आत्मा है? तो जवाब है नहीं। ये तो एक माध्यम है, एक सोर्स है, जो एक इंफॉर्मेशन को लेकर उस तत्व तक, उस आत्म तत्व तक पहुंचाते हैं। आंख भी उसी जगह पे पहुंचा रही है सिग्नल, और हाथ भी वहीं पे सिग्नल। जो भी आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं वो सारे आंख, कान या कोई खुशबू, स्मेल जो भी आ रही है वो नाक सिग्नल देके उस आत्म तत्व तक पहुंचाती है। और वो आत्म तत्व जब इसे महसूस करता है तो इसका विश्लेषण कर लेता है। मींस ये शरीर का कोई भी हिस्सा आप नहीं हो, ना आप आंख हो, ना कान हो, ना हाथ हो, ना पैर हो, फिर आप कौन हो? अब आप बताइए इसका उत्तर कि क्या आप शरीर हो? अगर शरीर नहीं हो तो आप क्या हो? इसी का जवाब जब जिस दिन आप ढूंढ लोगे, जिस समय, जिस पल आप ढूंढ लोगे, आपको उसी समय आत्मज्ञान हो जाएगा। तब वो गीता की बात सत्य होगी कि आत्मा न आती है, न जाती है, न खाती है, न पीती है, न सोती है, ये तो ये शरीर करता है। लेकिन सिर्फ किताबों में, ग्रंथों में, वेदों में पढ़ने से बात नहीं बनेगी। इसको प्रैक्टिकल करना होगा आपको कि आप सच में जाने कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्म रूप हैं, आत्म तत्व हैं। क्योंकि जब अगर किसी बाहर के व्यक्ति से पूछा जाए वो आस्तिक है या नास्तिक है, अगर तो वो साइंस की दृष्टि से देखेगा तब तो उसको कोई भी हिस्सा कहेंगे ये उसकी आंखें हैं, नाक है, वो कहेगा हाँ है, ये उसका हार्ट है तो वो छुपा है, लेकिन उसको अगर ऑपरेशन करके दिखाया जाए तो दिख जाएगा मांस फाड़ कर। डॉक्टर उसे चेक करके बता देगा कि हाँ यहाँ पे इसका हार्ट है, यहाँ पे इसके ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं। लेकिन जो अध्यात्म व्यक्ति है वो आपको इस विषय में बता तो देगा, लेकिन आप उसको महसूस आपको नहीं करवा पाएगा। उसके लिए आपको खुद इस सीढ़ी पे उतरना पड़ेगा। जब आप इस सागर में उतरेंगे तभी आपको वो अनुभव हो पाएगा। तो किससे कहानियों में ना फंसे रहें, पहले बस एक ही प्रश्न है आपके लिए, कोई ध्यान नहीं करना मत करिए, सिर्फ आप यही करिए कि आप कौन हैं। इसे ही बैठकर ध्यान में यही सोचें कि आप कौन हैं, क्या आप हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, मुंह हैं, क्या है, इनमें से आप कुछ हो? जब जवाब नहीं होगा तब आप उसके बाद देखें क्या बचा शेष। वही आप हो, वही एनर्जी हो, वही ऊर्जा हो, बस फिर बाकी का भेद आपको स्वतः ही पता लग जाएगा, आपको बताने की, समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल्स या कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे आप जाकर फॉलो कर लें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें ताकि और भी व्यक्तियों के पास पहुंच जाए, वो भी आत्म ज्ञान प्राप्त कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।